हैं ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। जैसा कि आप जानते हैं, आज ईसीआई ने डिक्लेयर किया कि कश्मीर में अब तीन फेजेस में इलेक्शन होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 18th of September। पीडीपी वेलकम्स दिस मूव, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं। आप जानते हैं जिस जो रियासत का एक सेमी ऑटोनमस स्टेटस था, हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, अपना झंडा था, अपने रेजिडरी पावर्स थे, वहां से यूटी का सफर आप लोग खुद जानते हैं। पिछले 5 साल में यहाँ हर एक जम्मू कश्मीर रेजिडेंट के फंडामेंटल राइट्स ही नहीं, डेमोक्रेसी को भी सस्पेंड किया गया। तो जो इलेक्शन 6 साल पहले होना चाहिए था, वो अब 6 साल बाद आपको इतना वक्त क्यों लगा? तो मेरा पहला वही सवाल है। बट ऑब्वियसली वी वेलकम दिस मूव, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ जब से आर्टिकल 370 हटा और सेमी ऑटोनमस स्टेटस जम्मू कश्मीर का रिवोक हुआ, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो किसी भी तबके के हों, दे आर सफरिंग एवरी डे, दे सफर, क्योंकि आप खुद देखते हैं यहाँ पे बाबूडम चल रहा है, यहाँ से ऊपर से लाके लोग हमारे ऊपर बिठाए हैं जो एज वाइसरॉय की तरह फंक्शन करते हैं, उनकी यहाँ कोई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वी आर हैप्पी इन द सेंस, वी आर ग्लैड कि अब जो लोगों के मसाइल हैं उनको रिड्रेसल मिलेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, यहाँ अपनी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। लेकिन हम वो रियासत हैं जिनका अपना स्पेशल स्टेटस, अपना झंडा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती थी। तो वहां से अब यूटी का सफर, हम सब जानते हैं, हमें डिसएम्पावर, डिसइनहेरिट, डिसपोजेस करने के लिए इनने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये इलेक्शन जो अनाउंस भी किया, उसका बिल्डअप मुझे बहुत अजीब लगा। हर एक इंडियन स्टेट में इलेक्शन होता है, लेकिन कहीं भी इतना आप उसे ब्लो अप नहीं करते हैं जैसे आज किया। तो वी वेलकम दिस मूव, बट ऑब्वियसली मेरा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि जिस स्टेट का अपना स्पेशल स्टेटस था, उससे आपने हर एक चीज छीन के अब आप ऐसे जताना चाहते हैं कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं। आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। किसी भी जमहूरियत में, किसी भी डेमोक्रेसी में, इलेक्शन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी रोबस्ट डेमोक्रेसी। तो आपने हम पे कोई एहसान नहीं किया। हर एक डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट चूज करें। सो मैं यही आपसे 2-3 चीजें आके यहाँ कहना चाहती थी। थैंक यू। इसको आप किस नजर से देखते हैं, स्पेशली इन सच को? देखिए, मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ, द पीडीपी इज वेरी कंसर्न। हमारे आप में से किसी का फोन बज रहा है? हमारा ये कंसर्न है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। जैसा कि आपने खुद कहा, इलेक्शन डिक्लेयर होने के 12 घंटे पहले लगभग 150-200 ट्रांसफर्स अब्रप्टली आर्बिट्रेली एलजी गवर्नमेंट ने किए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किए। और हम जानते हैं, व्हाट एवर सेड एंड डन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ जो बिहेवियर है, इट्स फुल ऑफ प्रेजुडिस, इट्स फुल ऑफ बायस। आप जानते हैं कि वो बीजेपी को फेवर करते हैं और करते आए हैं, और जो यहाँ की बाकी पार्टीज हैं उनके साथ वो कितना हॉस्टाइल रहे हैं। और जैसे आपने आउटगोइंग डीजी के बारे में बात की, आप खुद जानते हैं कि वो कैसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इश्यू कर रहे थे, ऑल्दो दैट इज नॉट हिज ज्यूरिसडिक्शन। हिज ज्यूरिसडिक्शन, हिज पर्व्यू लाइज इन मेंटेनिंग law and order. So of course we also have an apprehension that this election should be free and fair, it should not favor any one political party and BJP in this case. क्या PDP अकेले चुनाव लड़ेगी या कोई अलायंस करेगी? तो मैच्योर है, लेकिन क्या PDP इस तरीके? देखिए, आज ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, तो मैं यहाँ किसी गारंटी से आपको नहीं बोल सकती। और ये जो डिसीजंस होते हैं, ये हमारी पॉलिटिकल कमिटी जो है, पार्टी की जो सीनियर लीडर्स हैं, वो ये डिसीजन लेंगे विद द पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी। सो आई कैन नॉट आंसर ऑन देयर बिहाफ। देखिए, मैं महबूबा जी के बिहाफ पे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती और मैं देना भी नहीं चाहती। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ, महबूबा जी विल नॉट फाइट एन इलेक्शन इन अ स्टेट जिसकी वो चीफ मिनिस्टर थी, जब हमारा सेमी ऑटोनमस स्टेटस था, हमारा स्पेशल स्टेटस था। आई डोंट थिंक शी वॉन्ट्स टू फाइट दिस इलेक्शन, बट आप ये सवाल उनसे पूछेंगे तो बेहतर होगा। और आप अपने लिए क्या आने वाले इलेक्शन में ऐसा लेंगे? देखिए, हर एक चीज़ मेरे बारे में नहीं होती। हम यहाँ अभी जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, वो बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। पिछले 5 साल में आप खुद देखिए हमें कितना डिसएम्पावर, डिसपोजेस कर रहे हैं, हमें अपनी ज़मीनों से खदेड़ा जा रहा है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग क्राइसिस है, आपको पता है यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हैं। सो आई होप दैट दिस इलेक्शन इन सम वे इनको, इनके जो मसाइल हैं उनको रिड्रेस करे।
देखिए हमने भी तैयारी स्टार्ट कर ली है एंड इंशाल्लाह विद इन अ वीक टू 10 डेज वी विल बी रिलीजिंग आवर मैनिफेस्टो एज वेल। आने वाले इलेक्शन में आप अपनी पार्टी को कहां देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए मैं कहना चाहती हूं कि मरकजी सरकार लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नड टू ब्रेक पीडीपी। आप खुद जानते हैं कि कांच के जैसे टुकड़े टुकड़े होते हैं वैसे ही इनकी कोशिश रही, क्योंकि महबूबा जी एक बुलंद आवाज रही हैं और वो बोलती आएंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह रिगार्डलेस ऑफ देयर एफर्ट्स यू हैव सीन दैट इवन इन द पार्लियामेंट इलेक्शंस वी परफॉर्म्ड वेरी वेल। तो आगे जाके भी हमें होप है, हमारे जो वर्कर्स हैं दे आर वेरी हैप्पी कि इलेक्शंस अनाउंस हुए एंड वी आर होपिंग दैट यू नो वी पुट अप अ गुड फाइट एंड इंशाल्लाह वी आर होपिंग टू विन। तो स्पेसिफिक एजेंडा क्या रहेगा पीडीपी का यहां पर अगर इलेक्शन के लिए जाते हैं? सॉरी, अगर वो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करते हैं तो मेन एजेंडा ऑफ इलेक्शंस क्या होगा? देखिए ये सवाल जी 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 तो क्या वो भी एजेंडा में होगा और बाकी क्या एजेंडा? एवरीथिंग। आप देखिए जो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो डिस्पोजेशन है, डिसएम्पावरमेंट हुई है, उसका रूट कॉज ये है कि हमारा स्पेशल स्टेटस रिवोक किया। अगर वो नहीं किया होता यहाँ डायरेक्ट रूल आता नहीं और ये लोग ये चीजें नहीं कर पाते। सो ऑब्वियसली इन कश्मीर यू कैन नॉट आइसोलेट वन इशू फ्रॉम द अदर। हम ये नहीं कह सकते कि हम लोकल इश्यूज पे ही लड़ेंगे और इतने बड़े मसले को हम साइड स्टेप करेंगे। इट हैज टू बी वेरी होलिस्टिक, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। यू बिलीव दैट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विद ऑल पार्टी मेंबर्स रिगार्डिंग दिस इलेक्शन? बात करनी जरूरी है, मिलना जुलना जरूरी है। इन व्हाट सेंस? इलेक्शंस लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अफेयर्स विद आवर पार्टी मेंबर्स। आई फील लाइक जम्मू कश्मीर में जो मरहम लगेगा वो तभी लगेगा जो यहाँ पे सियासी सारी पार्टीज हैं वो अपने डिफरेंसेस असाइड करके एक साथ आएंगे। लेकिन आपको पता है पॉलिटिक्स में यू नो यू डोंट ऑलवेज मिक्स, इट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स लाइक तेल एंड पानी, ऑयल एंड वाटर, आप मिक्स नहीं कर पाते हैं। बट आइडियली येस ऑल पोलिटिकल पार्टीज हियर शुड कम टुगेदर एंड फाइट फॉर वॉट वॉज टेकन फ्रॉम द पीपल। थैंक यू।